47 दिन बाद किसान सरकार संग्राम में तो समाधान नहीं निकला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को ऐसी सख्ती दिखाई कि किसानों के खेमे में थोड़ी उम्मीद जग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सरकार की कोशिशों पर नाराजगी जताई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो कृषि कानून पर रोक तो नहीं लगा सकती, लेकिन उसके अमल पर रोक लगाने का मन बना चुकी है। ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट का फुल एंड फाइनल फैसला आने वाला है और सरकार की नींद उड़ी हुई है। सवाल ये है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट संसद में पास किए गए कानून पर सख्त कदम उठाते हुए उसके अमल पर रोक लगा देगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करने वाले 3 जजेस के बेंच में शामिल है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने सरकार से साफ कहा कि अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल ना करें। आज कोर्ट में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगी। कोर्ट ने कहा कि किसानों पर केंद्र सरकार की अब तक की कोशिशों से कोर्ट निराश है। कोर्ट ने पूछा कि जब किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो नए कानून को होल्ड क्यों नहीं करते, यानी अमल पर रोक क्यों नहीं लगा देते। फिर 2 कदम आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने साफ कहा, अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। सीजीआई ने कहा कि हम कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं और कमेटी की रिपोर्ट आने तक नए कानून के लागू होने पर रोक लगाना चाहते हैं। कोर्ट ने कमेटी के लिए किसानों और सरकार से नाम भी मांगे हैं। आज शाम अंतरिम आदेश भी आ सकता है। कोर्ट ने कहा कि संभव हुआ तो टुकड़ों में फैसला देंगे। वहीं सरकार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए बार बार यही कहा कि किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कानूनों के समर्थन में है। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर रोक लगाने का भी विरोध किया। केंद्र की तरफ से ये दलील भी आई कि कानून पर रोक लगाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऐसी रोक तब तक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ न हो। लेकिन किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कानून मौलिक अधिकार या फिर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कैसे है। कोर्ट के अंदर चले इस घमासान के बाद अब फैसले का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सियासी बवाल छिड़ चुका है। जहां सरकार फैसले के पहले बोलने से परहेज कर रही है, वहीं विपक्ष ने हमला बोल दिया है। पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि अभी भी संभलने का समय है। अभी जो जिद है, जो उनका अड़ियल बर्ताव है, उसको छोड़ देना चाहिए। नीत साफ करके इस मामले को निपटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद फार्मर्स का कमिटी जो है वो तय करेगी क्या होगा उनका रिएक्शन, उसी के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी रोल हो सकती है। अब सुनिए किसानों का सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर कितना भरोसा है, और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब मुख्य न्यायाधीश खुद धरने पर बैठे बुजुर्गों और महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि वो इस ठंड में प्रदर्शन की जिद छोड़ दे। उन्होंने बिल्कुल ठीक संज्ञान में लिया है और फैसला सरकार को लेना है। कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही कानून वापसी लेगी। कल सुप्रीम फैसला आएगा। इस बवाली ठंड में प्रदर्शन का भविष्य भी इसी फैसले पर निर्भर करेगा और सरकार के 3 कानूनों का कल भी। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।